हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। मैंने हाल ही में आपको बताया कि टॉप 10 फिल्म कौन सी देखनी चाहिए इस वैलेंटाइन डे के लिए, लेकिन ज्यादातर लोग सिंगल्स है तो वो क्या करें। जो मेरा चैनल ज्यादातर देखते वो भी बहुत ज्यादा लोग यंग वाले बच्चे हैं, मतलब मैं तो नहीं कहूँगा जिस एज में, मेरे एज से भी कम लोग हैं। जो मेरी जो ऑडियंस है मेजरली कुछ 35 से लेके 45% के बीच में, 20 से लेके 25 या 26 एज के बीच में है। तो आप सभी को जिनके पास उनके खुद के वैलेंटाइन नहीं है या जो चाहते हैं कि वैलेंटाइन बनाए, या फिर जो बहुत कंफ्यूज है लाइफ से, यार मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है, मेरे पास बॉयफ्रेंड नहीं है, तो यार क्या होगा, यार हम लोगों का कैसे जिंदगी होगी, बाकी लोग के पास है तो मैं क्या करूं, ये जो सवाल होते हैं आपके माइंड में, तो आपको सबसे पहले एक चीज मैं कहूंगा, मैं यहाँ पे कुछ लव लेसन सिखाने नहीं वीडियो मतलब लाया हूँ आपके लिए। मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि ऐसे सिचुएशंस में जब आपके दोस्त कहते हो यार मेरे पास गर्लफ्रेंड है, या मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, तो आपको क्या करना चाहिए वो बताऊंगा आपको। सबसे पहले तो आपको उनकी बातें सुननी नहीं चाहिए, क्योंकि ज्यादातर लोग दिखावे पे जाते हैं और प्यार को एक दिखावा जैसे समझ के रखते हैं। और अगर आप सिंगल हो तो आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि आपको जो पसंद है इंसान उससे आप जाके बात करें, और आप सोचते हो यार इतना हलवा है कि जाके बात करें, ऐसा नहीं है। मतलब कैसे है, जैसे आपको कोई पसंद हो तो आप उसको जाके अप्रोच करें, बात करने की कोशिश करें। फिर भी अगर आपको लगता है कि यार सामने वाला बंदा देख नहीं रहा है या इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा है, बात ही नहीं कर रहा, तो आप एक वक्त में जाके उसको तुरंत तुरंत सामने सामने बोल दो। उससे क्या होगा, आपकी जो फीलिंग्स होगी अंदर वो कहीं ना कहीं आप शेयर कर दोगे, और उसके बाद दो चीज होगी, एक तो लड़की ना बोलेगी या तो हाँ बोलेगी, राइट। सेम लड़कों के लिए भी अप्लाई करता है, लड़कों का ज्यादा तो बोलूंगा नहीं मैं, हाँ बोलेगी या तो ना बोलेगी, लड़की ज्यादा ना बोलेगी ये समझ के रखिए, लेकिन उसे पता चल जाएगा कि आप उसे प्यार करते हो, शायद उससे आपका आने वाले टाइम में शायद हो सके आप भी मिंगल हो जाओ, आपकी भी वैलेंटाइन डे बन जाए वो। क्योंकि ज्यादातर अक्सर लड़कियां बोलती नहीं है कि वो पहले प्रपोज नहीं करती, कुछ इस तरह का मुद्दा है, सब बॉलीवुड फिल्मों ने ही बर्बाद करके रखा, सच्ची बता रहा हूँ। वैसे जनरली यही होता है कि यार लड़का लड़की पसंद करे, जो भी लड़की को पसंद लड़का लड़के को, तो लड़की बोल देती है आई लव यू, लड़का पसंद करता है लड़की को, ऐसे बोल देती है, लेकिन ये फिल्मों ने नाम खराब करके रख दिया है। फिल्मों में हमने देखा है कि जब तक लड़का प्रपोज नहीं करता लड़की मानती नहीं, लड़का पीछे भागता है, ये सब वो सब करता है, तब जाकर लड़की एट द एंड बोलती है हाँ ठीक है मुझे पसंद है तू, अरे इतना परेशान क्यों करवाई, जब पसंद था तो पहले ही बोल दी होती, तामझाम करवाई, पैसे इतने खर्च हुए सब। तो इसलिए ना बॉलीवुड फिल्मों ने बहुत बिगाड़ा है, और आप देखे होंगे शाहरुख खान घोड़े से उतर के आ रहा है, कभी प्लेन से उतर के आ रहा है, कभी हेलीकॉप्टर से कूद के भाग के आ रहा है अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। यार ये सब क्या, यही सब चीज़ों को देख देख कर लड़कियों को भी इमेजिनेशन होगी कि मेरा हीरो राजकुमार जैसा होगा, घोड़े पे आएगा, उतरेगा, फिर मुझे सीधा प्रपोज करेगा, फिर वही घोड़े पे चढ़ के मेरे को लेके जाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ ये बॉलीवुड फिल्मों वाला भूत ना बहुत रहता है सवार सभी पर, चाहे लड़की हो या लड़कों पर। तो ऐसे कुछ मत करिए, अगर आपको सही में कोई पसंद है तो आप उसे जाके प्रपोज कर दीजिए, आप अच्छी नीयत से करिए, अच्छी सोच से करिए, इतना मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको कभी कुछ दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई ये देखो, आप किसी की तारीफ करें, आपको आपको आप किसी को पसंद करें, सामने वाले को अच्छा लगता है अगर आपकी नीयत अच्छी हो तो, बस उससे ज़्यादा आप कुछ मत करिए, और आपको मार और कुछ नहीं पड़ेगी। और अगर आप फिर भी आप डर रहे कि आप प्रपोज करूँ ना करूँ, जब आप कन्फ्यूज है तो चीज़ों में मत करिए, जो आप जिसमें आप कन्फ्यूज हो चीज़ें कभी मत करना लाइफ में, नहीं पसंद तो मत करिए प्रपोज। जब तक आपको अंदर से फील नहीं होता किसी के लिए, डोंट गो फॉर इट, दिखावे के लिए मत जाओ कि मेरे उसके पास गर्लफ्रेंड है, इसके पास गर्लफ्रेंड, उसके पास गर्लफ्रेंड है, तो मेरे पास भी होनी चाहिए, या मेरे पास बॉयफ्रेंड होना चाहिए, उसके पास है, ऐसा कुछ नहीं। इट्स ऑल अबाउट हाउ यू आर हैप्पी विथ योर सेल्फ। अगर आप अकेले खुश हो ठीक है, दूसरे के साथ खुश हो तो ठीक है। तो हमेशा अप्रोच रखिए सिंपल सा, पसंद है तो प्रपोज करिए, हाँ ना जो भी हुआ चलेगा, क्योंकि दुनिया में एक ही लड़की नहीं है, एक ही लड़के नहीं है, बहुत एक किसी मतलब कहा है किसी ने कि लड़की अच्छी लड़की और अच्छी किताब बहुत ही मुश्किल से मिलती है, ये कहा है, लेकिन मेरा मानना ये है कि सब चीज़ें पॉसिबल है, अच्छी लड़की भी मिलना, ऐसे कोई बुरी लड़की होती ना तो बुरा लड़का होता है। इट्स ऑल अबाउट आप किस तरह से लोगों को देखते हो, किस तरह से आप सोचते हो, इसलिए कभी भी ना दिखावे पे मत जाओ। आपको जो जिसे जो पसंद कर रहे हैं आप, जिसको भी पसंद कर रहे हैं, आप कोशिश करो कि वो
उसे आप प्रपोज करो, और जब तक आप किसी को जानते हैं तब तक आप उसको जज मत करो। पहली बात तो आप जिससे बात करोगे, जिससे भी आपको बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलेगी उस बंदे के बारे में, बंदे के बारे में, शायद आपका माइंड चेंज भी हो जाए। इट्स ऑल अबाउट आप सामने वाले को समझने की कोशिश करो, और उसके बाद अगर इस तरह से आप रहोगे तो आपको अच्छा। और जो फिर भी नहीं चाहते कि हम प्रपोज नहीं करना है, हमें सिंगल रहना है, तो वह सिंगल रहो, खुशी से रहो, कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो मिंगल भी है कुछ ज्यादा खुश नहीं रहते हैं, वो तो अलग बात है। और जहां तक वैलेंटाइन डे की बात है, यार एक दिन ही प्यार नहीं होता है, 364 डेज 365 डेज प्यार होता है, और बस यहाँ से दिल से फीलिंग होनी चाहिए, तो हर दिन प्यार होता है, कोई ऐसे स्पेसिफिक डे उसका कुछ नहीं होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि आप आज के दिन प्यार वगैरह प्रपोज वगैरह ना भी करो तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और जब भी आपको ऐसे फील हो तो आप किसी को भी जिसको आप पसंद करके प्रपोज कर दो। मुझे नहीं पता मैंने शायद आपको समझा पाया कि नहीं, बट मैं आप सीधा सीधा मतलब ये था कि सीधी बात, नो बकवास, पसंद है तो प्रपोज करो, नहीं पसंद तो मत करो, एंजॉय करो लाइफ, मूवीज देखो, पिक्चर्स देखो, और घूमो फिरो दोस्तों के साथ, क्योंकि दोस्तों से दूसरी से ज़्यादा बड़ी चीज़ और कुछ नहीं दुनिया में, और माँ बाप से भी बड़ी कोई चीज़ है नहीं, तो उनसे भी प्यार करो, तो अपने आप ज़िंदगी में खुश रहोगे। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही, चलिए बाय बाय।